लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आपराधिक तत्वों के मन में पुलिस का भय रखने व आम जन को निश्चिंत रहने के लिए इंदौर के कई थाना क्षेत्रों में बीती रात पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कई आला अफसरों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल हुआ। आपको बता दें कि खजुराना, MIG विजयनगर, लसुड़िया, तिलक नगर थाना क्षेत्रों में पुलिस का यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें अधीक्षक इंदौर पूर्व से यूसुफ कुरैशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, नगर पुलिस अधीक्षक पंकज दीक्षित, नगर पुलिस अधीक्षक एस तोमर एवं विजयनगर SDM कनीश शामिल हुए। फ्लैग मार्च में बड़ी मात्रा में थाने के वाहनों के साथ साथ दंगारोधी वाहन भी शामिल हुए। चुनाव 2019 के मद्देनजर 19 मई को इंदौर में वोटिंग होगी। इसी के तहत मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए और निष्पक्ष और स्वतंत्रतापूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों में भय जगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मार्च किया जा रहा है, ताकि कोई भी आपराधिक तत्व मतदान में विघ्न बाधा उत्पन्न ना कर सके। ये डोमिनेशन मार्च पुलिस के अधिकारियों और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो रेवेन्यू के अफसर थे उनके साथ में किया जा रहा, इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।